दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं TVX ZX वेरिएंट की। दो कलर्स के अंदर दोस्तों कंपनी ने इसको निकाला है, रॉयल वाइट और स्टारलाइट ब्लू। सामने आप जो देख रहे हैं ये स्टारलाइट ब्लू कलर है, काफ़ी बेहतरीन कलर है दोस्तों। अगर सबसे पहले मैं आपके उसकी प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो लगभग 82,000 रुपये के आसपास आपको ये ऑन रोड पड़ जाने वाला है। काफ़ी खूबसूरत लाइट्स मिलती हैं आगे और पीछे दोनों ही साइड में, और आगे की साइड में आपको हेडलाइट्स जो मिलती हैं यहाँ पर LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसका जो MID है काफ़ी खूबसूरत है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं ऑन बोर्ड डिजिटल और एनालॉग रूप से, जहां पर आपको इको और पावर दो तरह के मोड भी इस स्कूटर के अंदर चलाने के लिए मिलते हैं। जुपिटर ZX की जो बैजिंग है क्रोम के साथ में दोनों ही साइड में आपको देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छा व्हील बेस मिलता है दोस्तों इसके अंदर आपको, 1275 mm के आसपास का, और 12 इंच के टायर मिलते हैं ट्यूबलेस आगे और पीछे दोनों ही साइड में। दोस्तों ये जो स्कूटर है आपको ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल होता है। फिलहाल हमारे सामने जो स्कूटर है ये आपको ड्रम ब्रेक के अंदर हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन आपको सीट मिलती है, सीट के पीछे आपको काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मजबूत ग्रैब हैंडल भी देखने के लिए मिल जाता है। रही बात दोस्तों अगर इसकी लंबाई के बारे में करें तो 1834 mm की ओवरऑल इसकी लंबाई मिलती है और 1115 mm की आपको इसकी हाइट मिल जाती है। चौड़ाई इसकी आपको 650 mm के आसपास मिलती है। मोबाइल चार्जिंग से लेकर के काफ़ी सारी फैसिलिटी और फीचर्स इस स्कूटर के अंदर आपको मिल जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है, यानी कि इसका डिक्की पोर्शन सीट के नीचे आपको लगभग 13 लीटर की कैपेसिटी वाला स्टोरेज एरिया मिलता है। पावर इस स्कूटर के अंदर दोस्तों आपको 7.99 PS की मिलती है। टॉर्क आपको 8.4 Nm का मिल जाता है। 110 cc का इंजन आपको कंपनी ने इस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल करवाया है, तो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। 82,000 रुपये के आसपास में काफ़ी बेहतरीन स्कूटर मिल रहा है। CVTi टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसके अंदर आपको पावर और इको मोड मिलते हैं, और सेफ्टी के लिहाज से भी दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड किया गया है। जैसे कि आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, दोनों ही सेम साइज़ के दिए गए हैं, जिससे कि आपकी राइडिंग काफ़ी अच्छी होती है। 62 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको इससे माइलेज मिल सकता है। दोस्तों स्टोरेज काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप अपना सिलेंडर वगैरह जैसी चीज़ भी रख के लेके जा सकते हैं, क्योंकि लेग स्पेस का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह भी मिल जाते हैं। 4-स्ट्रोक इंजन के साथ में आता है, एयर कूल्ड इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर का, और ओवरऑल अगर इसके वेट के बारे में बताएं तो लगभग 108 kg का इस स्कूटर का वेट होता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रिव्यू था, जिसके अंदर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक भी मिल जाता है एक खूबसूरत कैप के साथ में। TVS के BS4 वेरिएंट्स जो आते थे उनके अंदर भी इसी तरह का कैप आपको देखने के लिए मिलता था। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चाहे तो अपने दोस्तों में आप इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मैंने इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और हर तरह की डिटेल्स को आपको बताया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है, रियर में आपको यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो ये दो वेरियंट में आता है, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक, आप चाहे जो ले सकते हैं। और आज के लिए इतना दोस्तों, कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।